मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया, साथ ही 75 करोड़ रूपये की 88 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन कर उसका निरीक्षण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ की धरती 1857 की क्रांति की धरती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। गंग नहर पटरी पर कांवड़ मार्ग बनाया जा रहा है, जिसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में सौंपा जाएगा। 23,000 करोड़ रूपये की लागत से मेरठ दिल्ली मेट्रो को जोड़ा जा रहा है। जल्द ही दिल्ली की दूरी 45 मिनट में तय की जाएगी। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रूपये की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प RRTs के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो ये और अच्छा काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य है और ये गंग नहर भी हरिद्वार के साथ हमारे संपर्क को सीधे जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार से हमने इस संबंध में वार्ता की, उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तक तो हम लोग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार बनाए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी और मैंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर कांवड़ यात्रियों के लिए हमें हरिद्वार तक भी बनाना पड़ेगा तो भी हम लोग बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के सहयोग लेंगे।